कल रात महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर बिग बी ने खुद ट्वीट कर दी। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां अभिषेक और अमिताभ दोनों की हालत स्थिर है। उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अमिताभ की तरह अभिषेक ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे और मेरे पिता को कोरोना पॉजिटिव निकला है और हमें बहुत हल्के लक्षण हैं और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। महानायक के कोरोना वायरस की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही लोग उनके ठीक होने की दुआएं करने लगे और ट्विटर पर गेट वेल सून सर, गेट वेल सून अमिताभ और ऐसे ही कई सारे ट्वीट्स ट्रेंड करने लगे। आपको बता दें कि अमिताभ को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन ने शेयर की है, जो बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अमिताभ ने खुद अस्पताल से शेयर की है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी और उस पोस्ट में उन्होंने अपनी तस्वीर भी शेयर की है। जैसा कि सभी जानते हैं कि महानायक सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पूरे कोरोना काल में उन्होंने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता दिखाई थी। पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर महानायक ने पॉजिटिव वे में ही अपनी बात को रखा और कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया है, मेरे संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है, पिछले 10 दिन में जो भी मेरे संपर्क में आया हो वो अपना टेस्ट करवा ले। अमिताभ और अभिषेक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। और हाल ही में आई खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है। बेटी श्वेता नंदा और नाती अगस्त्य नंदा की रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आई है। इस तरह से बच्चन फैमिली के 4 लोगों का एकदम से पॉजिटिव पाया जाना फैंस के लिए बुरी खबर है और ये कुछ चिंता का विषय भी है। वहीं छोटी सी बच्ची आराध्या का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना भी थोड़ा चिंताजनक है। वहीं अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके बंगले जलसा को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बंगले को सील कर दिया गया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आई थी जहां कर्मचारी उनके बंगले को सैनिटाइज करते नजर आ रहे हैं। माया नगरी मुंबई में अमिताभ के बंगले जलसा के बाहर एक बैनर लगा दिया गया है ताकि इसे कंटेनमेंट जोन के रूप में लोग पहचान सके। सैनिटेशन वर्कर्स बंगले पर पहुंच चुके हैं और बंगले को डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है। इस बंगले में परिवार के साथ उनका हाउस स्टाफ भी रहता है। सभी लोगों की जांच की जा रही है और अमिताभ और उनके परिवार को लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।